इनिशिएटिव है नेबर्स की तरफ से, 30 मिनट वर्कशॉप होगी हर है ना ऑल्टरनेट वीकेंड के ऊपर वेनेसडे में आपके मीटिंग सेशन में। आपकी मंथ में 2 सेशन होंगे सिर्फ और मुख्य टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर सेशन दिन चला हुआ करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करें वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो लास्ट सेशन के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी, जो प्रीवियस जो कैंडिडेट्स हैं जो मेरे बैठे थे उनको तो पता है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। लास्ट सेशन के अंदर हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि हम अगर अपने अगर दुनिया के अंदर किसी भी कुछ कामयाब लोगों को इवेल्यूएट करें, उनको ड्रिल डाउन करें, उनके अंदर क्या अल्लाह ने ऐसे औसाफ रखे हुए हैं जो अल्लाह ने उनको दुनिया में कामयाबी दी है, उसके अंदर आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी कोई रिपीट कर सके मेरे साथ जो लास्ट सेशन के अंदर मैंने 2 फैक्टर्स बताए थे। कोई आप में से कोई जो लास्ट सेशन के अंदर थे मैंने 2 फैक्टर्स बताए थे कि आपको हर दुनिया के कामयाब लोगों में 2 चीज़ें जो है ना वो अक्सर लोगों में मिलेंगी, टाइम मैनेजमेंट और हाँ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। आप दुनिया के किसी भी कामयाब आदमी को देख लें आपको उसके अंदर 2 कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे। हम सब देखें इंसान जो है ना कामयाबी के हरीज, हर बंदा दुनिया में कामयाब होना चाहता है। आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं कोई किसी ऑब्जेक्टिव के साथ आ रहे हैं ना, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए आ रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं कामयाब नहीं होते चले जाते हैं। ऐसे ही ना कि हर बंदा जो है ना आता है फ्रीलांसर बन जाता है, तो एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर देता है, सारे लोग कामयाब हो जाते हैं, सारे लोग कामयाब नहीं होते। तो आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू आ रहे हैं कि पर्पस के तहत आ रहे हैं और आप लोग भी कामयाब होना चाहते हैं। तो दुनिया के जो सबसे कामयाब इंसान थे हमने ये लास्ट सेशन में डिस्कस किया था जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके बारे में कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, ये रास्ता है जिसको तुम फॉलो करके कामयाब हो सकते हो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त को किस तरह से यूटिलाइज करते थे हमने इसको डिस्कस किया। आज हम जो कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो बहुत माजी के अंदर जो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी गुजरी है जिन्होंने वक्त की कदर को पहचाना है, मैंने चंद की एग्जाम्पल्स आपके सामने रखी। इमाम शाफी रहिमुल्लाह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। वो फरमाया करते थे कि वक्त एक तलवार है, अगर तुम इसे नहीं काटोगे ना तो ये तुम्हें काट देगी। यानी जो लोग वक्त जाया करते हैं तो वक्त उन्हें काट देता है, वक्त उनका जो है ना लिहाज नहीं करता। विद द पैसेज ऑफ ईच सेकेंड द लाइफ इज एरोडिंग योर ओन एग्जिस्टेंस। वक्त आपका जो है ना एक एक लम्हे के साथ गुजरते हुए आपकी दुनिया के अंदर एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है। तो अपने टाइम की वैल्यू को पहचानना। हजरत इमाम यूसुफ रहिमुल्लाह के बारे में आता है वो डे एंड के ऊपर अपने वर्ड्स को कैलकुलेट करते थे और देखते थे कि आज मैंने अपने पूरे दिन के अंदर कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो मेरे यूजलेस थे, कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें मैंने किसी की हिब्बत की, कितने वर्ड्स ऐसे जो थे जिसको जो मैंने किसी का दिल दुखाया। अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी क्या करते थे। तो दिस इज द की प्रिंसिपल फॉर एन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कि आप अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, आप एवेल्यूएट करें डे एंड के ऊपर। देखें अकाउंट्स ऑडिट के जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं मंथ एंड के ऊपर एक क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि उस महीने में जितनी आमदन हुई जितने अखराजात हुए वो नेट ऑफ करते हैं और देखते हैं कि इस महीने हमारी क्या इनकम जनरेट हुई है, ठीक है। और यही एक्टिविटी डेली बेसिस पे भी होती है, यही एक्टिविटी ईयरली बेसिस पे भी होती है। तो आप अपने डेली एक्टिविटीज को ना क्लोज किया करेंगे, जितना अच्छे अंदाज के अंदर आप अपना दिन क्लोज करेंगे ना उसी अच्छे अंदाज में अपना अगले दिन का ना की ओपनिंग कर सकेंगे। तो अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, हजरत इमाम यूसुफ का मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो बिग इमाम ऑफ इस टाइम, वो ये अपनी वर्ड्स की अकाउंटेबिलिटी किया करते थे। एक और शेख जिनके यहाँ पे एग्जांपल मैंने कोट किया है फुजैल बिन अय्याज, वो हजरत फुजैल बिन अय्याज ही वाज अ बिग मुहद्दिस ऑफ इस टाइम। वंस एक टाइम एक वक्त वो एक किसी चीज पर रिसर्च कर रहे थे तो आप अंदाजा करें उन्होंने अपने जो खाना था ना खाना मील्स उसको कर्टेल कर दिया। एक दिन में एक टाइम पे खाना खाते थे, क्यों? खाने का टाइम नहीं होता था, वो वक्त यूटिलाइज करते थे अपनी रिसर्च स्टडीज के अंदर, वो हदीस पे पढ़ करते थे। तो ये हमारे लिए परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। हम जिसको मर्जी स्टडी करें, बिल गेट्स को देख लें, अमेज़न के जेफ बेज़ोस को देख लें, किस मर्जी को देख लें, आप किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को देख लें, जो लोग यहाँ पर डिफेंस में रहते हैं ना वो देखेंगे, आप इवेल्यूएट करें
डिफेंस की सुबह फजर की नमाज आजकल 6:10 पूरी है। जितने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होते हैं अक्सर वो नमाज पढ़ते हैं, आप देखेंगे दे आर वेरी कंसिस्टेंट इन देयर प्रेयर्स, नमाज में बड़े कंसिस्टेंट, तकबीर उला के साथ आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद उनका एक फिक्स रूटीन होती है, नमाज पढ़ेंगे और आप सुबह कभी 6 डिफेंस के 6:30 पार्ट्स में जाएं, आपको अक्सर फौजी आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलेंगे, उनका एक कंसिस्टेंट स्केड्यूल होता है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये उनकी ट्रेनिंग के अंदर शामिल कर दी जाती है, क्योंकि इस कंसिस्टेंसी के बगैर कामयाब नहीं हो सकते। कुरान इसके बारे में कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है फिर उस पर जम गए, ततनज़्ज़लु अलैहिम, उनके लिए अल्लाह की गैबी मदद भी आती है। तो ये चंद कामयाब लोगों की मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी हैं। अब देखें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने लास्ट से कुछ सेशंस में डिस्कस किया था, दीज आर द फाइव प्रिंसिपल जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए अपने वक्त को जाया होने से बचाने के लिए। नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पांच चीजों को पांच से पहले गनीमत समझो, बुढ़ापे को अपनी जवानी से पहले। अल्लाह ने इस टाइम पे जो आपको स्ट्रेंथ दी हुई है ना, एक कंपनीज बताऊंगे करती हैं अपना स्वॉट एनालिसिस करती हैं। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है बताया, हाथ खड़ा करके उसको स्वॉट एनालिसिस का बताया, स्ट्रेंथ वीकनेसेस एग्जैक्टली, अपनी स्ट्रेंथ देखती है कंपनी कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस देखती है उसके, उस कंपनी के पास ग्रो करने की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या मार्केट में थ्रेट्स हैं उसके लिए। हर कंपनी अपना स्वॉट एनालिसिस करती है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ को टारगेट करने के लिए। आप लोग हम में से हर शख्स अपना स्वॉट एनालिसिस करें, देखें, इवैल्यूएट करें अल्लाह ने आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ रखी हुई है, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है उसको रिटेन करें और जो वीकनेसेस हैं उसको ओवरकम करना है। ये जंग है जो पूरी दुनिया में आप जिंदगी में आपने लड़नी है। देखें ये जो आपकी एज है आप में से अक्सर लोग नौजवान है, दिस इज द ट्रू टाइम, ये असल वक्त है कि आप लोग अपनी सलाहियतों को राइट डायरेक्शन में लगाएं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपकी डायरेक्शन जरा सी डिविएट हो जाएगी ना, आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो डिस्टॉर्टेड होगी, कोई उसका फायदा नहीं, बेमकसद लाइफ गुजार के दुनिया से चले जाएंगे। तो इस लाइफ को बेहतर तौर पर गुजारने के लिए वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट एसेट ऑफ लाइफ है वो टाइम है। आप लोग पैसा कमाते हैं, सैलरी मिलती है, जितना अर्न करते हैं क्या जिधर दिल आता उधर खर्च कर देते हैं पैसा, या सोचते हैं कुछ सोचते हैं ना, खर्च करने से पहले सोचते के लिए करते। अगर एक मोबाइल लेना हो ना तो चार दफा ना चार जगह जाकर उसका रेट पता करेंगे, यार कहां से सस्ता मिल रहा है, फिर देखेंगे मॉडल कौन सा बेहतर है, किसके अंदर कम पैसों के अंदर ज्यादा बेहतर चीज मिल सकती है, अपनी वो वैल्यू फॉर मनी के लिए जाते हैं, करते हैं ना। लेकिन जब आप अपना टाइम एक जगह पर स्पेंड करते हैं तो तब आप इस टाइम को स्पेंड करने से पहले ये इवेल्युएट क्यों नहीं करते कि मैं जहां पर अपना टाइम स्पेंड करने जा रहा हूं वो उसका पे बैक क्या मुझे मिलेगा। ये फॉर्मूला ना, एक फॉर्मूला याद रखें, जहां पे आप अपना टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं आप अगर वो इज इक्वल टू अगर उसमें आपका कोई वर्ल्डली बेनिफिट है नंबर वन, या इसमें कोई आखरत का बेनिफिट है तो आप उस पर अपना वक्त स्पेंड करें, या दुनिया का कोई बेनिफिट है या आखरत का कोई बेनिफिट है तो उस पर अपना वक्त स्पेंड करें। लेकिन अगर इसका इज इक्वल टू जीरो है ना दुनिया में कोई बेनिफिट है ना आखरत में कोई बेनिफिट है तो वहां पर माई टाइम स्पेंड ना करें। इसका मतलब है वो टाइम किलर्स हैं जो हम आगे आके डिस्कस करेंगे, जो इंसान की पूरी टाइम मैनेजमेंट को डिस्टॉर्ट करती है, खराब करती है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए, हमने लास्ट सेशन से डिस्कस किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे दिन का स्केड्यूल क्या था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ ऑर्गेनाइज थी, अनऑर्गेनाइज नहीं थी, हैपहैज़र्ड नहीं थी। आप अलैहि सल्लम के दिन को अगर आप इवैल्यूएट करें तो वो तीन एरियाज के अंदर डिवाइडेड था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल अफेयर्स अपनी फैमिली को टाइम देते थे, स्पिरिचुअल अफेयर्स सॉरी सोशल का मतलब अपने सहाबा को टाइम देते थे, स्पिरिचुअल अफेयर्स सहाबा की ट्रेनिंग करते थे, एक फोर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार की, और फैमिली अफेयर्स अपनी फैमिली को टाइम देते थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात कैसी होती थी तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रात को तीन हिस्सों में डिवाइड किया करते थे। 1/3 ऑफ द नाइट ही यूज्ड टू स्पेंड विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली को टाइम देते थे। आज जितना मर्जी जो ना बड़े मसरूफ लोग हो जाए, पैसा जो है ना वो कमाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, वाइफ सेटिस्फाइड नहीं होती है, फैमिली सेटिस्फाइड नहीं होती, जी हमें टाइम नहीं दे रहा, सारा दिन बिजनेस को टाइम दिया जा रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कम टाइम पे पूरी दुनिया के ऊपर आप अलैहिस्सलाम की जो है ना वो की तवस्सुस से इस्लाम का गलबा हुआ, आप अलैहिस्सलाम एक तिहाई हिस्सा अपनी रात का अपनी फैमिली के ऊपर स्पेंड किया करते थे, एक तिहाई हिस्सा
आराम के लिए स्पेंड किया, अपनी अपनी जिस्म को आराम दिया करते थे, और एक तिहाई हिस्सा तहज्जुद के लिए गुजारा करते थे, क्योंकि अंबिया के ऊपर तहज्जुद की नमाज फर्ज होती है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हमें लेसन मिलते हैं। और असल यहाँ पे हमारे सीखने के हमारा लेसन क्या है, हमारा लेसन इस पूरे इस जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के स्केड्यूल में ये कि दिस इज द मेन लेसन, इफेक्टिव स्लीप मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेजमेंट को चीज सबसे ज्यादा किल करती है, जो सबसे ज्यादा किल करती है वो ये इनएफिशिएंट स्लीप मैनेजमेंट है। आपको आवाज आ रही है आखिर तक? हाँ, स्लीप मैनेजमेंट होता ही है कि इंसान के स्लीप आवर्स फिक्स नहीं होते हैं, और कभी किसी टाइम पे सो रहा है, कभी किसी टाइम पे सो रहा है। अपनी स्लीप को, आपके दिन का आगाज अगले दिन सुबह से नहीं होगा, आपके दिन का आगाज आपकी रात से होगा। आप जितना अच्छे तरीके से अपनी रात को कंक्लूड करेंगे ना, उतने अच्छे अंदाज के अंदर सुबह जो है ना वो अपना दिन का आगाज कर सकेंगे। आज अक्सर लोगों की, मैं कई जगह सेशंस पे जाता हूँ और अक्सर लोग के सवाल करते हैं कि स्लीप मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं आपको 3 से 4 फैक्टर बता रहा हूँ। जो लोग जिनका स्लीप साइकिल का मसला है, रात को देर तक सोते रहते हैं या स्केड्यूल नहीं है, आप सिर्फ ये इवेल्युएट करें, अगर एक बंदे की औसत एज 60 साल है और वो दिन के अंदर 8 घंटे सोता है, इसका मतलब है वो दिन का एक तिहाई हिस्सा क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, एक तिहाई हिस्सा आराम कर रहे हैं। और 60 साल की अगर लाइफ है तो 20 साल अपने सोने में गुजार देगा, तो पीछे 40 साल है जिसमें बाकी सारी दुनिया के जो है ना वो सारी की सारी जो जरूरियात उसको भी पूरा करना है, हर फैमिली की नीड्स को भी पूरा करना है, शादी भी करनी है, हर चीज करनी है, तो 20 साल तो सोने में गुजार देगा। अगर यहाँ पे ये इनइफेक्टिव स्लीप मैनेजमेंट होगी, इसका मतलब है वो अपनी पूरी लाइफ का एक बहुत बड़ा चंक जाया कर रहा है। तो ये आज साइंस ये बताती है, नॉर्मली 6 घंटे की नींद मोर देन इनफ है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए। एक आम आदमी जिसको कोई मेडिकल इशू नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई हार्ट इशू नहीं है, उसके लिए 6 घंटे की नींद मोर देन इनफ है, 6 घंटे की नींद सफिशेंट है। अब जिनको अपनी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करने के अंदर जो है इशू है, वो 3 से 4 चीजें हैं जो बड़े बड़े सेशन जो स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर होते हैं उसके अंदर ये चीज जो है मैं उसकी समरी आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप अपनी नींद को कंट्रोल करना चाहते हैं तो 3 चीजें कर लें, 3 से 4 चीजें सॉरी। सबसे पहले रात को जल्दी सो जाएं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आते हैं कि आप अलैहि सल्लतु वसलाम रात को इशा के नमाज के बाद अपनी कोई एक्टिविटीज नहीं रखते थे, और उस टाइम पे अपनी जो 3 एरियाज के अंदर हमने पढ़ा, इन तीन चीजों के ऊपर टाइम स्पेंड किया करते थे। रात को जल्दी सो जाए, नंबर 1। नंबर 2, रात को खाना जो है ना, खाने में और अपनी नींद के अंदर कम से कम 2 घंटे का ब्रेक रखें, 2 घंटे का ब्रेक रखें। अगर आपने रात 10 बजे सोना है ना, तो 8 बजे खाना खा लें, और उसके बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी लाजमी रखें। यानी कि बेशक आप 100 या 200 या 300 स्टेप्स ही क्यों ना ले सकें, आप 200-300 स्टेप्स चल लें, लेकिन वो खाने के बाद कुछ ना कुछ एक्सर्शन करने के बाद सोएं। ये दूसरा प्रिंसिपल है। अक्सर ये जो टाइम मैनेजमेंट और स्लीप मैनेजमेंट की वर्कशॉप होती है ना, ये अक्सर पेड होती है, और 3-3, 4-4, 5-5 दिन की मुसलसल सेशन होते, मैंने भी अटेंड किए हैं, उसके बाद जाके ना ये चीज़ें ना, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, वो उसके जो कंक्लूजन होती है वो यही होती है। अगर आपने नींद को बेहतर करें, 4 से 5 चीज़ें इसको बेहतर कर लें, तो 2 चीज़ें मैंने बताई। पहली चीज़ क्या है? हाँ, जल्दी सोएं। और दूसरी चीज़ क्या बताइए? हाँ, रात को जो है ना कम अज़ कम 2 घंटे का रखें। तीसरी चीज़ ये है, अगर जो है ना अगर आप नींद को कंट्रोल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सुबह टाइम पर उठ जाएँ, तो तीसरी चीज़ ये है कि आप अपना सोने से पहले स्क्रीन टाइम 0 कर दें। होता ये है, मेडिकली प्रूवन है कि इंसान जब ये ब्लू लाइट जो मोबाइल के लाइट जो इंसान के आंखों में जाती है और उसका कनेक्शन ब्रेन से इस्टेब्लिश होता है, ये हमारे जहन के अंदर मैंने कुदरती तौर पर कुछ सेल्स रखे होते हैं जो लाइट को देखे ना अलर्ट हो जाते हैं, तो इंसान सोते वक्त मोबाइल यूज़ कर रहा होता है, स्क्रॉलिंग कर रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज के जवाब दे रहा है, तो वो जो ब्रेन सेल्स होते हैं ना वो जो है ना वो अलर्ट हो जाते हैं, फिर इंसान मोबाइल रखता है, सोने की कोशिश करता है, तो होता ये है कि इंसान जो है ना वो जब सोते हैं तो उसके जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं ना वो पूरे शट डाउन नहीं होते हैं। मैं बड़े इजी वर्ड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वो शट डाउन नहीं होते ना प्रॉपरली, तो इंसान अपनी डीप स्लीप में जाता ही नहीं है। नींद की ना 3 लहरें होती हैं। एक फर्स्ट लेयर होती है जिसमें सिर्फ इंसान थोड़ी देर के लिए नींद में जाता है और अभी मुकम्मल नींद में नहीं जाता। उसके बाद उसकी सेकेंड लेयर होती है जिसमें इंसान बिल्कुल नींद में चला जाता है, और तीसरी नींद जो बिल्कुल जिसे गहरी नींद कहते हैं उसे डीप स्लीप कहते हैं। उस तीसरे लेयर में जाता नहीं, जब वो तीसरे फेज में जाता नहीं है ना, या कम देर के लिए जाता है,
तो वो सुबह उठने टाइम पे उठने में उसको दुश्वारी होती है, सुबह टाइम पे उठ नहीं सकता। उसके लिए जरूरी है कि रात को अपना स्क्रीन टाइम जो है ना वो खत्म कर दें, एटलीस्ट एक घंटा पहले दो घंटा पहले अपना मोबाइल हर चीज बंद कर दें। और आखिरी चीज जो इफेक्टिव स्लीप मैनेजमेंट से रिलेटेड है, अपना कैफीन लेवल कंट्रोल करें रात को। खास तौर पे कैफीन लेवल से मतलब है चाय बिस्किट तो नहीं, चाय कॉफी वगैरह जो भी कैफीन या कोई जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इसको रिड्यूस करें। कैफीन जब इंसान एक्सेसिव कैफीन ले तो उससे उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। तो ये चार चीजें हैं जो आपकी स्लीप मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगी। जब आपकी स्लीप मैनेजमेंट कंट्रोल होगी तो आपके रात का साइकिल जो है ना वो एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगा और वो एक रूटीन के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो बाकी नेक्स्ट सीजन सर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की, आप हमारे पास 5 से 6 मिनट हैं, आप लोग कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड या आउटसाइड द टॉपिक कोई भी चीज आप पूछना चाहें डिस्कस करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। सर एक चीज बताएंगे कि आपको सुबह के सेशन में भी थे माशाल्लाह। मुकद्दर और तकदीर में कोई फर्क नहीं है। तकदीर है ना अल्लाह के इल्म का नाम है, लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। लोग कहते हैं कि जी अगर हमारे तो मुकद्दर में लिखा हुआ था तो होना ही था, ऐसा नहीं है। जो आपने करना था ना अल्लाह ने उसको पहले से ही लिख दिया तकदीर के अंदर कि मैं इस शख्स को पैदा करूंगा, वो ये काम करेगा। अल्लाह ने अपने इल्म की बेसिस पे तकदीर को लिख दिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना जो हम दुनिया में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन बंदा क्या अमल करेगा, अल्लाह ने अपने इल्म से। इसकी एग्जांपल परफेक्ट एग्जांपल ये है, एक क्लास होती है, जो क्लास टीचर होता है वो एग्जाम से पहले बता देता है कि ये फर्स्ट आएगा, ये सेकेंड आएगा, ये थर्ड आएगा। अब ये और जब एग्जाम होता है 90% चांसेज ही होते हैं जो टीचर ने प्रेडिक्ट किया था उसी के मुताबिक रिजल्ट आते हैं। अब कोई ये ब्लेम करे नहीं 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 टीचर ने तो कहा था मैं फर्स्ट आऊँगा, ये फर्स्ट आएगा, इसलिए फर्स्ट आ गया, टीचर ने कहा था सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा, तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैंने तो अपनी फुल एफर्ट की थी। टीचर ने रिगिंग की हुई थी। तो भाई टीचर ने अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक चीज़ बता दी और वैसा ही हुआ। टीचर ने वेल नोट के लिए मेहनत नहीं कर रहा, ये अटेंटिव नहीं लेक्चर के अंदर, और उसने अपने इल्म के बेसिस पे एक चीज़ फोरकास्ट कर दी। ठीक है, फोरकास्ट कर दी। अल्लाह का इल्म बगैर किसी खता के, अल्लाह के इल्म में कोई खता नहीं है। अल्लाह किसी को फोरकास्ट नहीं करते, अल्लाह के लिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बराबर है। तो अल्लाह को पता था कि इस बंदे को पैदा करना है, अल्लाह ने वो चीज़ इसके मुकद्दर में लिख दी। अब वो जब दुनिया में आता है अल्लाह ने अपने इल्म से ऑलरेडी लिख दिया हुआ है कि बंदा ये काम करेगा तो वो काम करता है। अल्लाह ने अपने इल्म की बेसिस पे उसको प्री एम्प्ट किया हुआ है। प्री एम्प्ट का मतलब होता है उसको जो है ना वो पहले से ही जो है ना वो फोरकास्ट करके लिख दिया है, और अल्लाह की फोरकास्ट में कोई गलती नहीं होती। तो ये तकदीर है। ठीक है हाँ, देखिए तकदीर की ना कुछ इकसाम होती है, कुछ अल्लाह ने चीज़ें ना तकदीर के अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो इफ़ एंड बट्स के साथ रखी हुई है। आप एक्सेल यूज़ करते हैं, एक्सेल में एक फार्मूला होता है इफ़ एंड बट का, पता है अगर ये करेंगे तो ये होगा, अगर ये करेंगे तो ये होगा, होता है ना। तो अल्लाह ने तकदीर में कुछ ऐसी चीज़ें रखी होती हैं, अगर ये काम ये करेगा तो इसकी तकदीर में ये है, अगर ये करेगा तो ये। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने ऐसी चीज़ें लिखी हुई है कि अगर ये सिला रहमी करेगा, सिला रहमी का मतलब अपने रिश्तेदारों से गता ताल्लुक नहीं करेगा, जोर रखेगा, तोड़ेगा नहीं, तो इसका रिस्क बढ़ा दिया जाएगा। अगर ये दुआ करेगा तो इसकी उम्र में रिस्क में बरकत अदा कर दी जाएगी, अगर नहीं करेगा तो ये होगा। तो ये इफ़ एंड बट वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है जनाब, वैसे ओवरऑल यार मतलब 2-3 मिनट हैं, अपना फीडबैक दें, ये सेशन होने चाहिए, लेने चाहिए, बंद करते हैं, टाइम ज़्यादा होता है लोगों का। मैं आके जाना को, हम जो फ्रीलांसर होते हैं, हाँ जो हम फ्रीलांसर हैं, हाँ हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो मैनेज नहीं हो सकता। एक साइड पे हमारा लैपटॉप पर है, एक साइड पे हम खुद लेटे हुए सो रहे हैं। देखिए अपने आप को ऑर्गेनाइज, फ्रीलांसर भी जितना मर्जी बड़ा फ्रीलांसर होगा अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकता है। आप या तो नॉर्मली पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हाँ कर रहे थे यूरोप की मार्केट को, यूरोप की मार्केट 1 बजे खुलती है, ऐसे ही है। और अगर जो US को हाँ कर रहे हैं वो 5 बजे उनके ऑफिस वगैरह खुलते हैं। तो आप US के टाइम को फॉलो करें, यूरोप के टाइम को फॉलो करें, आप फिर भी एक जो है ना वो एक स्केड्यूल बना सकते हैं अपने काम का। मैं भी कुछ फॉरेन कंपनी से काम कर रहा हूँ, जो गोरा है ना वो बड़ा ऑर्गेनाइज है, उन्होंने स्लैक के ऊपर चैनल्स अपने बनाए होते हैं वूमन, और उसमें वो टाइम लिखा होता है कि उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाते हैं अपने ऑफिस के बाद, ऑफिस आवर्स के बाद नॉर्मली वो इनएक्टिव हो जाते हैं और हम लोग जाग रहे होते हैं।
तो अपने आप को खुद कंट्रोल करना है। अगर आपका यूएस टाइम है तो आप 9 से लेकर 5 से लेकर आगे तक जितना भी आपने जाना है अब वो स्केड्यूल बनाए, वो आपके ऑफिस आते हैं उसमें आपने जो है ना वो तो रिस्पॉन्ड करना है तमाम चीज़ों को, उसके बाद अपनी लाइफ को इंजॉय करें। ये नहीं कि बस आप सो भी रहे तो तभी आपको जो ना फाइबर के मैसेजेस का ख्वाब या मैसेज का ख्वाब आ रहा है, और अमेजोन आप लोग तो ज़्यादा करते हैं, अमेजोन के ख्वाब आ रहे हैं कि पता नहीं क्या वो क्लाइंट ने कोई मैसेज ना भेज दिया। ऑर्गेनाइज करें तभी कामयाब हो सकेंगे। सर इसमें भी आपने जो बात की है इसमें एक फैक्टर हमारा मतलब रात को सोने का, रात की नींद का भी जो आता है हमारे यहाँ जिस टाइम रात है यूएसए में तो दिन है, हम वो टेन्योर में काम कर रहे हैं। देखिए ये बड़ा वैसे ना कॉमनली आस्क क्वेश्चन है यहाँ पे खासतौर पर माशाल्लाह जो पिछले सेशन में भी था। हाँ लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है, वैलिड है ना, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। लेकिन नबी अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए बरकत दिन के अंदर रख दी है, ठीक है, और कुरान ने कहा वजह लई लिबास, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया और दिन को जो है ना माश कमाने के लिए बनाया, वजह नहारा माशा। तो उसूली तौर पर प्रिंसिपल तो यही है, ठीक है ना, दिन काम के लिए रात आराम के लिए। लेकिन ये एक्सेप्शन है, अगर कोई शख्स आपकी जॉब ऐसी है या आपका वर्क नेचर ऐसा है कि आपको रात को जागना पड़ता है तो कोई बात नहीं है, अल्लाह आपकी रात में बरकत रख देंगे क्योंकि आप मजबूर है ना। लेकिन आप जिस स्केड्यूल में चल रहे हैं वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह पूरे 24 घंटे का साइकिल डिस्कस करेंगे एक आइडियल पर्सपेक्टिव में रहते हुए। तो उस आइडियल पर्सपेक्टिव में एक बंदा सुबह मिलकर 6 बजे अपने लाइफ साइकिल का आगाज करता है, उठता है, तो कोई बात नहीं, आप 6 बजे ना करें, आप 6 बजे सोने का आगाज कर लें और आप जोहर के बाद उठने का आगाज कर लें, तो एक स्केड्यूल तो बन ही सकता है ना। बेशक आप यूएस के टाइम के मुताबिक चल रहे हैं जिस मर्जी का, अपने आपको ऑर्गेनाइज रखें। बस अनऑर्गेनाइज वो मैंने एक शायद पिक्चर भी आप लोगों से शेयर की थी, दो एग्जांपल्स मैंने दी थी कि इंसान की पर्सनालिटी जो है ना रिफ्लेक्शन दो तरह से हो सकती है, अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज। तो बस जो भी स्केड्यूल उसमें ऑर्गेनाइज रखें अपने आप, कोशिश ये करें, रेफरेंस होनी चाहिए अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि आपको जो दिन के अंदर काम करने में वाला काम मिले और ये चमगादड़ वाली रूटीन खत्म हो जाए तो उसको ऑफ कर लें। मसला है कि जिस तरह हम यही बात इसके अंदर लगती तो हमारी ही होती है, लेकिन इसमें यह मसला है कि डीप स्लीप में जाते ही है, यानी कि ऐसे भी टूम 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 गाना बजती रहती है, बस कंट्रोल कर रहे हैं ना। देखिए एक इंसान जिम करता है ना, जिम करता है, एक्सरसाइज करता है, तो वो अपनी जो है ना वो अपने नफ्स की मुखालफत करता है, दिल कर रहा था आराम करे, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है, जिम में जाए लोगों की चीख और पुकार की आवाज़ें आ रही थी ये जिम करके आए कि चीखें मैं भी सुन के आ रहा हूँ, चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही होती हैं, वो पता नहीं कैसे खतरनाक खतरनाक आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। क्यों क्यों इतने जो है ना वो ले रहे हैं, पेन ले रहे हैं, भाई क्या जरूरत है पेन लेने की, उसका रिटर्न मिलता है ना, फिजिकली फिट हो गए हैं, एफर्ट करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पे आप ही थोड़ी चीखें निकालें, मोबाइल बंद करें, जहन एकदम पॉपअप आएगा, ठीक है ना, पॉपअप आते वो फिलहाल का मैसेज ना आ गया, तो उस पॉपअप को ना बंद कर दें और बस वो टाइम क्लोज कर दें, अपनी क्लोजिंग रखें।